आज का हमारा टॉपिक है लामार्किज्म। लामार्क का एक थ्योरी है एवोल्यूशन के बारे में, उसका एक कंसेप्ट है एंड द कंसेप्ट इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस कंसेप्ट में लामार्क ने ये बताया है हमें कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की ट्रांसमिशन हो गया उस प्रेम में। एक्वायर्ड कैरेक्टर को हम इंशाल्लाह जानेंगे कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। पहले आते हैं लामार्क पे, जीएन बैप्टिस्ट डी लामार्क, जीएन बैप्टिस्ट डी लामार्क, ठीक है। ये एक फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे। इनिशियली ही वाज अ बॉटनिस्ट, पहले ये बॉटनिस्ट थे, फिर क्लर्क थे, फिर जूलॉजी में रही। ही वाज अ प्रोफेसर इन जूलॉजी, जूलॉजी में एक प्रोफेसर था। ही वाज बोर्न इन फ्रांस, फ्रांस में पैदा हुए, बोर्न इन फ्रांस इन 1 अगस्त 1744 में फ्रांस में ही पैदा हुई, ठीक है। इसने द वर्ल्ड टर्म इज यूज बाय दिस, द वर्ल्ड टर्म बायोलॉजी इज यूज बाय लामार्क। ये बायोलॉजी का जो टर्म है, वर्ल्ड टर्म बायोलॉजी इज यूज बाय लामार्क। वर्ल्ड इनवर्टिब्रेट का जो टर्म है, इस इनवर्टिब्रेट के टर्म को भी किसने यूज किया है, लामार्क ने यूज किया है। ही प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन 1809 में एक इवोल्यूशन के बारे में एक थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स कुछ यू हैं। अकॉर्डिंग टू लामार्क, एनवायरमेंट हैव अ की रोल इन योर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में माहौल का बहुत बड़ा ज्यादा किरदार है। दिस चेंजेस इन एनवायरमेंट आर द फर्स्ट फैक्टर कॉजिंग इवोल्यूशन। जब भी किसी माहौल में चेंजेस आती है तो ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मीट दीज चेंजेस फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और एनवायरमेंट की अपने आप में मॉडिफिकेशन लाना है, चेंजेस लाना है। अगर सर्वाइव करना है तो ऑर्गेनिज्म को चाहिए कि वो अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को फिट करे। सो फर्स्ट फैक्टर है चेंजेस इन एनवायरमेंट इज द फर्स्ट फैक्टर कॉजिंग इवोल्यूशन। सो व्हेन यूवर चेंजेस अकर इन द एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म विल ट्राई टू मीट दीज चेंजेस। जब भी किसी माहौल में चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनिज्म विल ट्राई टू मीट दीज चेंजेस फॉर देयर सर्वाइवल। सो ऑर्गेनिज्म विल ट्राई to meet these changes for survival के लिए इस changes को फिर मीट करना पड़ेगा। फिर use and disuse का टर्म इस्तेमाल किया है लामार्क ने। अकॉर्डिंग टू लामार्क को अर्गन जिसकी इस्तेमाल ज्यादा होती है वो ज्यादा ग्रोथ करेंगे, वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। सो अर्गन दैट आर यूज विल बी मोर स्ट्रांगर, ज्यादा मजबूत होंगे। कौन से अर्गन जिसकी ज्यादा इस्तेमाल होगी वो अर्गन बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। और इसके साथ पावरफुल भी होंगे, पावरफुल प्लस स्ट्रांगर। एंड द अर्गन दैट हैज दैट इज नॉट यूज्ड विल बी वीकर एंड डिसअपीयर, फिर वो खत्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं जिराफा को, जिराफा लिव्स इन अफ्रीका। It is believed that his ancestors are small deer-like. हिरन जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, वो ग्रास खा रहे थे, ग्रास जमीन से ग्रास थे, डेविड ग्रास थे। फिर ये माइग्रेट टू दूज एरिया वेयर ग्रासेस आर एबसेंट, ग्रासेस आर एबसेंट, ठीक है। अभी ग्रासेस नहीं है, बड़े बड़े पौधे हैं, या तो खुराक नहीं खाएंगे फिर मर जाते हैं, ठीक है। या ये अभी इस फैक्टर को ऑर्गेनिज्म विल ट्राई टू मीट दिस चेंजेस टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए अभी उसको चाहिए कि अपने लिए को ऊपर करें, इस्तेमाल करें अपने,
अभी ये लैंड है मिसाल के तौर पे, ये लॉन ट्रीज है, ग्रासेस तो है ही नहीं। सो अभी जराबा को चाहिए को अपने नेट को इस्तेमाल करके इसे बड़ा करें, जिसको फ्रंट लेग, इसका फ्रंट लेग भी यूज़ होती थी और नेक भी यूज़ होती थी, ठीक है। सो ये एक्वायर्ड करेक्टर है जो माहौल से लिया। अब इस एक्वायर्ड करेक्टर को अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसमिट करना है, ठीक है। माहौल के, माहौल ने मजबूर किया जिराफा को कि अपने गर्दन को लॉन्गेट करे, ठीक है, इसलिए कि वो अपने अब जब के खुराक का बंदोबस्त कर सके और जो बड़े बड़े पौधे उसको खा सके। सो खाने के लिए उसको चाहिए थे कि अपने गर्दन को क्या करे, इसको एलांगेट करे और फ्रंट हो। सो एलांगेशन तो अपने लेग को एलांगेट करता, इसको यूज करता और फ्रंट लेग को इस्तेमाल करते, तो फ्रंट लेग और लेग इसी तरह से बढ़ गए, ठीक है। दूसरा मिसाल मैं आपको देता हूँ डक या गीज का। डक पहले इनके सिस्टर जमीन पर रहते थे, लेकिन अभी ड्राई लैंड पे दियर इज स्कॉर्सिटी ऑफ फूड, फराक के पहले तक भी फराक की कमी है। सो अभी मजबूर है पानी में जाने के लिए, इसलिए कि वो तो उड़ नहीं सकते, ठीक है। सो पानी में गए, जब पानी में गए तो पानी में डक ने स्ट्रेच दियर क्लास, अपने पंजों को, अपनी उंगलियों को क्या किया, स्ट्रेच किया और स्विमिंग के लिए इस्तेमाल किया। सो बार बार यूटिलाइजेशन से इसकी वेब्स निकल आए, फिंगर्स के बीच, ये फिंगर्स के बीच क्या आए, वेब्स निकल आए जाल ऐसे। सो बार बार यूटिलाइजेशन से उसकी वेब्स निकल आते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गए यूज ऑफ ऑर्गन का, तो स्ट्रांगर हो गए और पावरफुल हो गए। अभी डिस यूज पे आते हैं, तो डिस यूज पे हम मिसाल लेते हैं स्नेक के, सांप। ये सांप थे लेजर्ड लाइक, उसके फोर लेग्स थे लेजर्ड लाइक। फिर यू हुआ कि वेजल नामी ऑर्गेनिज्म आए जमीन पे, ये प्रेडेटर थे इसके, ठीक है, इसका शिकार करते थे। तो अब ये सांप मजबूर हो गया कि होल्स में रहे, सुराखों में रहे, सुरंगों में रहे। जब वो क्रीपिंग करते थे इन होल्स में, तो दे डू नॉट यूज देयर लेग, वो अपने लेग्स का इस्तेमाल नहीं करते। अगर लेग्स का इस्तेमाल नहीं करते तो इसका लेग्स वीकर होगा, डिसअपीयर होगा। ये भी एक एक्वायर्ड करेक्टर है जो माहौल से इसने ली। फिर ये करेक्टर आपने बच्चों को ट्रांसमिट किया, अब सांपों में कोई भी लेग्स हमें नजर नहीं आती, ठीक है। सो ये तो हो गई यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन से। अभी ये जो यूज और डिस यूज करेक्टर लिया, आपने बच्चों का भी ट्रांसमिट करना है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। सो अभी व्हाट इज एक्वायर्ड करेक्टर, दोस करेक्टर व्हिच आर गेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम वी कॉल एक्वायर्ड करेक्टर। वो करेक्टर जो ऑर्गेनिज्म पैदाइश के बाद एनवायरमेंट से लेता है, उस करेक्टर को हम कहते हैं एक्वायर्ड करेक्टर। जैसा कि स्किन कलर है, आपको आसानी से समझाऊं, ये सफेद स्किन कलर है, अगर मैं इसको सनलाइट पे एक्सपोज कर दूं तो ये डार्क पर्पल हो जाएगा, दिस इज एक्वायर्ड करेक्टर, एक्वायर्ड करेक्टर, ठीक है। सो ये एक्वायर्ड करेक्टर, ये नेक का बढ़ जाना भी एक्वायर्ड करेक्टर है, ठीक है। ये डक के पाँव में ये जाल आ जाना, ये भी एक्वायर्ड करेक्टर है। सांप के पाँव खत्म होना, ये भी एक्वायर्ड करेक्टर है। ये एक्वायर्ड करेक्टर अपने बच्चों को ट्रांसमिट करें, ये एक्वायर्ड करेक्टर अपने बच्चों को ट्रांसमिट की है। किसने, स्नेक ने भी ट्रांसमिट कर दी है, जिराफे ने भी ट्रांसमिट कर दी है, डक ने भी ट्रांसमिट कर दी है, गीज ने भी ट्रांसमिट कर दी है। सो एक्वायर्ड करेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू लामार्क, दिस इज सिंपल लामार्क। अब लामार्क को किसने सपोर्ट की है, सो अब हम बता रहे हैं एविडेंसेस दैट सपोर्ट्स लामार्क थ्योरी, ठीक है। एविडेंसेस दैट सपोर्ट्स लामार्क थ्योरी। सो लामार्क थ्योरी को सपोर्ट किया है कुछ साइंटिस्टों ने, एविडेंसेस दैट सपोर्ट लामार्क थ्योरी, एविडेंसेस दैट सपोर्ट लामार्किज्म। कैमरर्स एक्सपेरिमेंट के हैं पास लामार्क, कैमरर्स एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट में इसने ली है सेलेमेंडर। ये सेलेमेंडर का जो स्किन है ये ब्लैक है और ब्लैक स्किन पे येलो स्पॉट्स है। सेलेमेंडर का स्किन ब्लैक है और ब्लैक स्किन पे येलो स्पॉट्स है। अब ये देखो दो बॉक्सेस ली है कैमरन ने। एक ली ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, और दूसरा लिया येलो बॉक्स, जैसा कि उनके बॉडी पे स्किन कलर है। अभी ब्लैक स्पॉट में कुछ सेलेमेंडर रखे, कुछ सेलेमेंडर येलो बॉक्स में रखे। आफ्टर सम टाइम यानी 4 साल बाद ही ऑब्जर्व्ड दैट ब्लैक बॉक्स में ज्यादातर सेलेमेंडर जो पाए जाते थे उसमें ब्लैक स्किन थी, ब्लैक कलर था, और येलो बॉक्स में जो सेलेमेंडर पाए जाते थे वो ज्यादा येलो स्किन वाला थे। सो एनवायरमेंट से एक करेक्टर ली इसने सेलेमेंडर अपने फिर अपने बच्चों को ट्रांसमिट भी करे। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ग्रिफ्ट ने की है, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट की है रेड्स पे। उसने रेड्स को एक केज में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद, एक केज में, एक पिंजरे में बंद कर दिया। फिर एक टेबल था रोटेटिंग टेबल था, इस केज को रोटेटिंग टेबल पर रखिया और इसको रोटेशन दी। फिर जब इसने रोटेशन को स्टॉप किया तो दिस रेड शोज डिजीनेस, उनको चक्कर आ रहा। ठीक है, इसकी ऑफस्प्रिंग खुली, इसको भी रोटेट कर दिया, मेटिंग करवाई। आफ्टर सो मेनी जनरेशन इसकी जो बच्चे थे इसमें भी डिजीनेस पाई जाती थी। सो डिजीनेस का आना एक एक्वायर्ड करेक्टर था जो अपने बच्चों को ट्रांसमिट कर दी है रेड्स ने। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट किसने की है, कैमरास ने और ग्रेप ने की है। अभी हम बता रहे हैं कि लामार्क की एक क्रिटिसिज्म क्या है, ऑब्जेक्शंस क्या है, ऑब्जेक्शंस ऑन लामार्क थ्योरी, ऑब्जेक्शंस ऑन लामार्क थ्योरी, ऑब्जेक्शंस। तो ऑब्जेक्शन पहले की है अगस्त वेस्टमैन, एक साइंटिस्ट है, ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन रेड्स, ही कट द टेल ऑफ रेड्स, रेड्स के टेल को कट कर दिया। ये एक मिसाल के तौर पर रेड है, इसके टेल को काट दिया। सो ये काटना एक वाइट करेक्टर है जो रेड नहीं लिया। अब ऐसा हुआ कि इसके जो ऑफस्प्रिंग थे उसमें टेल अपीयर हो गई। सो अगर रिक्वायर्ड करेक्टर ट्रांसमिट होती तो फिर ये चाहिए था कि यहाँ पे टेल नहीं आती, लेकिन यहाँ पे टेल आई, फिर इसके टेल को काट दिया, इसके बच्चों में फिर से टेल आ गई, इसके टेल को काट दिया, इसके बच्चों में फिर से टेल आ गई। अबाउट 20 जनरेशन तक गई, लेकिन सब में टेल आ रही थी काटने के बावजूद भी। सो कंक्लूड किया अगस्त मैंने कि एक्वायर्ड करेक्टर के ट्रांसमिशन नहीं होगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट की है अगस्त वेस्टमैन ने की। ठीक है, दूसरा हम आमतौर पे जीविश और मुस्लिम्स दे डू सरकम खतना, जब अपने बच्चों का करते हैं सरकम सीजन से ये जो पेनिस है इसकी प्रीप्यूस को हम काटते हैं। प्रीप्यूस इज द टिप, द स्किन व्हिच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द पेनिस, वी कट प्रीप्यूस। सो सर्कमसीजन में हम प्रीप्यूस को काटते थे। किसी भी इंसान का जिसका सर्कमसीजन हो गया हो, इसकी बच्चे का प्रीप्यूस साइज में रिड्यूस अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस नहीं होती क्वाइट करेक्टर की। दूसरी बात, हम अपने बच्चों के ईयर प्लस नॉस्ट्रिल्स इसमें बोरिंग करते हैं, इसमें सुराखें बनाते हैं। ठीक है, जेवरात के लिए यहाँ पे हम सुराख बनाते हैं, यहाँ पे खान में भी और नोज में भी बनाते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी औरत की ऐसी बच्ची पैदा नहीं हुई जिसमें
जिसके कान में सुराख प्रेजेंट हो, सो एक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं होती। दूसरा, अकॉर्डिंग टू लामार्क, कि जिस ऑर्गन की यूटिलाइजेशन नहीं होती वो खत्म हो जाती है। देखिए, इंसान में अबाउट 100 वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो काम के नहीं होते। मिसाल के तौर पर अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स वेस्टिजियल है तो अभी तक क्यों है, ये रिड्यूस क्यों नहीं हुई, ये डिसअपीयर क्यों नहीं होती, ठीक है। सो रिक्वायर्ड करेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होती, फिर यूज और डिस्यूज का ऑर्गन का भी कंसेप्ट खत्म होता है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो चाइनीज है, चाइनीज दे बाउंड द फीट ऑफ वुमेन्स, बाउंड द फीट ऑफ वुमेन्स करके मतलब ये पाव है चाइनीज का, इसको ये ऐसे बैंड करते हैं, ठीक है। इसका एक पुराना भस्म है, रिवायत है चाइनीज का। वो करते क्या है कि पीठ है पाव, इसको सोक करते हैं वाटर में, एनिमल ब्लड में प्लस हर्ब्स में। कुछ जड़ी बूटियां लेते हैं, जानवरों के ब्लड लेते हैं और वाटर लेते हैं ऐसे, इसमें फिर इस पीठ को डबो देता है, ठीक है। सो इसकी वजह से ये सॉफ्ट होता है। फिर ये चार उंगलियां जो पाव के होते हैं उसको ऐसे बैंड करते हैं और इसको बैंडेज से फिर इसका बैंडेज कराते हैं, इस प्रकार बाउंडिंग पीट आपको मिले। चलिए, इसका पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन अभी तक ये पुराना ट्रेडिशन तभी खत्म हो गया है। अभी तक जो चाइनीज जुम्मन है वो सब नॉर्मल पीट की, अगर रिक्वायर्ड कनेक्टिव ट्रांसमिशन होती तो अभी भी बाउंडेड फीट वाले होते चाइनीज। तो मालूम होता है कि लैमार्क थ्योरी ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे आई है न्यू लैमार्क, तो इंशाल्लाह न्यू लैमार्क पे अलग क्लास होगी, और फिर होगी हमारे साथ डार्विनिज्म और एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इंशाल्लाह ताला इसको हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।